अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मज़े से होंगे। दोस्तों मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज का हमारा सफ़र वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट खेड़ा माइंस की तरफ है। और ये जनाब वो पहाड़ हैं जो रास्ते में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्यारे पहाड़ हैं। अगर आप उधर आप जाएंगे आपको मज़ा आएगा इस तरफ जाने का। जनाब हमारी कोस्टर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी और हमें मुख्तलिफ प्यारे प्यारे सीन देखने को मिल रहे थे। माय टीम एंट्रिंग इन खेड़ा, इट्स द एंट्रेंस। ये टिकट घर है और इधर से हमें टिकट लेने थे। टिकट हमने लिए और ये उन्होंने बोर्ड वाजे तौर पर लगाया हुआ कि भाई टिकट लेंगे फिर आप जाएंगे। झूला बच्चों के लिए, अगर बच्चे जाएं तो मज़े करें। ये जनाब साल्ट के डिफरेंट डिज़ाइन मॉडल्स बना के रखे हुए हैं और ये अल्लाह मोहम्मद अली और मुख्तलिफ किस्म के नमक के मॉडल हैं और डिफरेंट टाइप का नमक उधर मौजूद है। ये उधर का टाइम ऑफिस, लैंप रूम वगैरह। और ये तकरीबन हम इस वक्त खेड़ा माइंस की एंट्री के करीब मौजूद हैं। We are entering to the खेड़ा माइंस। देखते हैं अंदर क्या है। ये एंट्री पे हम खड़े हुए थे, इधर से हमने एक गाइड लिया और गाइड अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जाते वक्त सबने लेफ्ट साइड पे रहना है, बिजली की तारे ऊपर, ट्रेन के लिए जो बाती लगाना किसी चीज को, तार को खास तौर पे। ओके ठीक है, हाई वोल्टेज है, हाई टेंशन है, लेफ्ट साइड पे रह के जाना है, बाई साइड पे। कान के अंदर काफी अंधेरा था, छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी जिससे नेकेड आई से बड़ी अच्छी तरह से देखा जा सकता है, लेकिन कैमरे में थोड़ी मुश्किल आ रही थी। जी ये एक क्या हो गया, सुर्ख लाइट का इजाफा हो गया, देख रहे हैं आप। हाँ जी, रेड जोन। ये अगर इधर से बिजली चली जाए तो क्या होगा। वो ये गालिबन जनरेटर का बंदोबस्त भी किया गया है। ये जनाब कान के अंदर एक खूबसूरत नमक की एक मस्जिद बनाई गई है, बहुत ही शानदार मस्जिद है। नमक से बनाई इसमें मुख्तलिफ कुरान पाक भी रखे गए हैं, अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो नमाज भी पढ़ सकता है इधर। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको देखने का बहुत ही दिल कर रहा था और एक इसमें अजीब अट्रैक्शन थी। ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये उधर एक मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है। ये जी खेड़ा माइंस में शॉप्स भी हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो खरीदारों के लिए अट्रैक्शन का बायस है। ये मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं और ये सारी जनाब हैंडमेड हैं। ये मॉडल हेयर नमक के मॉडल मुख्तलिफ बने हुए हैं और बहुत ही प्यारे मॉडल हैं ये वाले। कैमरे में उस तरह नज़र नहीं आते लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थे। ये अंगूरी बाग है उधर। अंदर का माहौल एक अजीब ही जादुई मंजर पेश कर रहा होता है। कैमरा को किस तरह से नहीं दिखा सका हो लेकिन बहुत ही प्यारा सीन है। ये गार के अंदर एक काफ़ी खुली जगह है, लोग मुख्तलिफ इधर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बनवाते हैं और बनाते हैं। इधर का मंदिर बहुत ही हसीन होता है और कह लें कि सियाहों के लिए अट्रैक्शन का बायस है। कहीं पे लकड़ी का इस्तेमाल है नी, कहीं पे ईंटें, हाँ ये है कंक्रीटेड और कहीं पे ईंटें लगी हुई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे काला नमक भी इधर से ही निकल रहा है। जनाब खेड़ा माइंस के बारे में ये है कि इधर सिकंदर आजम के घोड़ों ने इसे दरियाफ्त किया था। ये मौलाना साहब मेरे साथ ही हैं जी, ये तकरीबन मेरा साथ दे रहे हैं। नमक है और ये जंक्शन है, एक रास्ता इस साइड को जा रहा है और दूसरा इस साइड को जा रहा है। इस एरिया को चांदनी चौक भी कहते हैं। हमारे खूबसूरत नौजवान इधर भी हैं।
ये चांदनी चौक का एरिया है और हमें बताया जा रहा है कि आपने इस साइड पे जाना है। इधर हमने फोटोज वगैरह बनवाई। तो इस तरह ये एक तो सिलसिला ये है इसका। ये गाइड जनाब अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 3-4 फुट का होल करके उसके अंदर बारूद डालकर इसको आग लगा के ब्लास्ट करते हैं। तो जब ये ब्लास्ट होता है ये साल बड़े बड़े पीसों में गिरता है। इस वक्त आप 6 फ्लोर पे जा रहे हैं। इसको 1960-70 काटना शुरू किया गया था। तो फर्स्ट दौर इसके अंदर साल निकालने के लिए इसके अंदर स्टीम में जो चलते हैं जो कोयले के साथ चलता है। उसके बाद जिस तरह ये अभी मैं बात आते हुए भी आपको इन लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर बह रहे ये ट्रेंड है साल्ट है। इसके साथ मैंने लैंड लगाई। अगर आपने खाने के लिए यूज़ करना हो बार बार ग्राइंड करें कर रहे हैं। ये चीफ साहब हमें बुला रहे हैं। ये जनाब नमक से बनाई हुई एक पिलर्स हैं। एक न्यू एडिशन था। दिस प्लेस इज समवेयर कॉल्ड चांदनी चौक। ये जी हम चांदनी चौक में आ गए हैं दोबारा। हमने कान को घूम लिया, पूरी कान हमने देख ली है। अब हमारा तकरीबन वापसी का सफर शुरू हो गया जी। ये सामने एंट्रेंस आ गई है। एंट्रेंस भी यही है और एग्जिट भी यही है जी। एंट्रेंस और एग्जिट से हम दोबारा पुरानी जगह पे आ गए। ये बाद में जनाब खाने का इंतज़ाम किया गया था। बाद में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मनोरंजन हुआ और बहुत मज़ा उठाया गया, बहुत लुत्फ आया। हर एक ने डांस किया और जो नहीं किया जिसने उसे खींच के ज़बरदस्ती घसीट के अंदर ले गया है। ये तलबा का एक ग्रुप है जो उधर विजिट पे आए हुए थे, उनको भी जनाब डांस का मौका दिया गया और उन्होंने खूब डांस किया। पीछे तालबात आपको खड़ी नज़र आ रही हैं। ये भी एक ट्रिप आया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो जनाब हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। ये हमारा सफ़र तकरीबन पूरे दिन पे मोहित था। पूरा दिन हमें लग गया था इसमें और कान के अंदर भी ठीक ठाक टाइम लगता है उसको घूमने पे और बंदा थक जाता है। ये बेग साहब ने ज़बरदस्त स्टाइल अपना दिखाया। तो दोस्तों अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए और अगर आपको मज़ा आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल मीडिया माइंड एंड टेक्नोलॉजी बाय करामत अली ज़रूर सब्सक्राइब करें।